अबे दो। हाउ आर यू? सॉरी डियर। ये सारे नेताजी कर लिए और बहुत तीन दिन नंद बाबा का घर है और देख पाओगे इधर नहीं। और ये जहाँ पे हम जा रहे हैं नंद बाबा ब्रेकफास्ट करते हुए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नेक्स्ट डे और आज भी हम वृंदावन के मंदिरों को घूमने जा रहे हैं। कल मैं व्लॉग का एंड करना भूल गई थी तो आज न्यू व्लॉग के साथ और सब रेडी हैं हो रही एक्टिव। और ये रे प्रियंका मैम, आकांक्षा, पूरी पूजा और ये मेकअप करते हुए रूपम। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे कैसे रहने वाला है। एक और आ गई है क्यूट गाय अंशी जो छुपक रही है व्लॉग में आने से। तो अभी हम बैग वगैरह लेके जा रहे हैं, गाड़ी में रखवा देंगे बैग्स और उसके बाद मंदिर घूमने जाएंगे। पहले नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सब ब्रेकफास्ट करते हुए बट दीदी को ब्रेकफास्ट नहीं करना। भैया वो दे देना सॉल्ट। सॉल्ट हम फिर वहाँ गए ना बाकी बिहारी लौट के नहीं। तो अब हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। अच्छा, और ये जहाँ पे हम जा रहे हैं नंद बाबा का घर, 6,500 साल पुराने भगवान का घर है, यहाँ ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, नंद बाबा। अंशी, नंद भवन जा रहे हैं जहाँ कान्हा जी के पापा रहते थे। आइए निकल के। जन्माष्टमी मनाते हो? 12 बजे। रात 12 बजे कौन आते हैं घर में? चोर। तो इस रास्ते को बोला जाता है चोर रास्ता। इस रास्ते पर आए हो गाड़ी के लिए करके। वहाँ से किसको लेंगे? लड़की योग माया को। अच्छा, लेके गए वहाँ से। तो है योग माया का रास्ता, वो जाने का रास्ता, वो जाने का रास्ता। वहाँ से निकलोगे वहीं से सीधा गाड़ी पर पहुँचोगे। आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। ये नंद बाबा का किला है, 6,500 साल पुराना, जो 1500 साल मिलेगा। आपने पूरा नया नया बनाया है क्योंकि एक छर्जे होकर गिरने लगा था। अंदर जो है 6,500 साल पुराना है, जहाँ भगवान का घर। अंदर जाओगे मर्यादा जो मेरे साथ गाड़ी में, तो उनको मैंने समझा दी है। जिनको नहीं पता मैं आपको समझाऊंगा मंदिर के अंदर जाके। सामने भगवान के लिए फूल माला है, पूरे परिवार वाला एक माला लीजिएगा। माँ बेटा, माँ बेटी हो तो एक माला लीजिएगा। जो अलग आए वो अलग लेना चाहता है, अलग से ले सकता है। तो यहाँ अपने हाथ से भगवान को चढ़ाते हो, किसी पंडा पुजारी गाइड को आप नहीं देते। भगवान आपकी इतनी दूरी पे होंगे, जब भगवान का नारायण का झूला जलाओगे अपने हाथ से जाके चढ़ाओगे। 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाते, पहला बहन बेटी के घर में, दूसरा ठाकुर जी के घर में और तीसरा किसी फैमिली के घर रिश्तेदारी। तो साथ में यमुना जी, पीछे बसदेव जी, ऊपर कृष्ण भगवान, पीछे श्रेष्ठ कृष्ण भगवान को यमुना पार करा के कृष्ण भगवान यहाँ लाए थे बसदेव जी। इधर तले वो शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान के दर्शन करने आए शंकर भगवान। मैया यशोदा ने 3 दिन 3 रात्रि खड़े रखा दरवाजे पे, मैया ने दर्शन नहीं दी। शंकर भगवान ने 3 दिन 3 रात्रि इसी द्वार पे बैठे तपस्या करिए। यहाँ आप जाकर बैठने वाले के सामने आप देख रहे हो, ये है पारस पीपल। दिवाली वाले दिन 5 तरीके अलग अलग फूल और एक फल जिसमें आज भी आता है। आप पूरा भारतवर्ष घूम के जाओ, पीपल पर फल नहीं मिलेगा, लेकिन गोकुल में आज भी पीपल के ऊपर 5 तरीके का अलग फूल और एक फल आज भी आता है। इसे कहते हैं पारस पीपल। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाने लगे, बेटे ने हाथ पकड़ लिया, रोने लगा कि प्रभु आप तो चले जाओ, कलयुग में दुनिया मुझे काट के जला देगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तू चमत्कार दिखलाएगा, फल और फूल दोनों आएगा। सामने पारस पीपल है, गोवर्धन भगवान है। जो लोग वहाँ सात कोस की प्रतिमा पैदल नहीं कर सके, यहाँ प्रतिमा लगाते जो लगा रहे हैं। पहले आप लोग दर्शन करोगे, भगवान का झूला जलाओगे, उसके बाद लौट के प्रतिमा करोगे। भगवान के प्यारे लाल की जय। ऐसे हाथ लगा लो, किसी पीछे लगा लो, लगा लो, लगा लो, लगा लो, आपको चिकना दिखाई देगा। पीछे लगाओ, चिकना है। क्यों है चिकना? भगवान ने क्या लोग देखा है? माखन मिश्री खाया है, हाथ नहीं से पूछा, यहाँ होगा ऊपर नहीं होगा। ये चिकना है, काला हो रखा है। 6,500 साल पुराना बच्चे का सामने छठी पूजन का दर्शन है भगवान। ये 4 खंभे ब्रह्मा जी के लगे हैं, देख रहे हो तो ये नंद बाबा का घर है और यहाँ ये चिकने हैं क्योंकि कान्हा जी
11 साल तक यहीं रहे थे। तो ये चिकने और ऊपर से देखो काले हैं, क्योंकि माँ उस टाइम लाइट नहीं होती थी तो जो जला देते जिससे उजाला होता था, इसलिए ऊपर के सारे तरह काली हो गई। भगवान ने 3 दिन 3 रात्रि बैठ के तपस्या करी है, जो मैंने आपको गेट पर दिखाया था। ये भूमि यशोदा भवन, मैया यशोदा का गर्भ गृह, इसको नीचे का भी दिख जाएगा जब 12 पा गया होगा। ये वो जगह है जहाँ जन्म हुआ कृष्ण की बहन योग माया का। योग माया कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, यमुना पार करा के यहाँ लाया गया और इस घर में छुपाया गया। यहाँ शंकर भगवान ने बैठ के 3 दिन 3 रात्रि तपस्या करी है। हर ग्रुप को 2 से 5 मिनट का टाइम दिया जाता है नारायण का दर्शन करने के लिए, फूल माला चढ़ाने के लिए और भगवान का झूला झुलाने के लिए। अंदर शूट नहीं कर सकते थे इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ सब पानी पी रहे हैं और अभी देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। कोशिश करूँगी दर्शन कराने की। ये सारे नेताजी इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। मैम वोट फॉर डीएस पकड़े हैं और हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं मैम को, सब मैम के सपोर्टर हैं। बहुत तेज हो रहे हो हैं, वोट फॉर डीपीएस। प्रोग्राम रात्रियों के लिए ठाकुर जी का प्रसाद। क्या वाओ यार, आज खा लेगी तू भी, खा ले तोड़ खिलाओ। खाना ही है, किसी को खाना तोड़ दो, खिला दो। ऐसे खिला सकते हैं इसके लिए हेल्दी अनहेल्दी? हेल्दी है। अबे दो। हाउ आर यू? गाइस देखिए रमनती यहाँ पे इतने सारे डियर और साथ में ऑस्ट्रिच कांग्या।